वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में एंड टुडे लेट्स टेक अ लुक एट अ डे जहां पर निफ्टी इतना गिरा है दैट इट पुट्स टू शेम लास्ट वीक इन इट्स ओन सो so अगर पिछले हफ्ते का मूव देखते हैं तो पूरे हफ्ते आई मीन ग्रांटेड इट वाज अ 3 डे वीक वी सॉ 1.75% फॉल व्हिच इज अराउंड 308 पॉइंट्स एज वी कैन सी और आज के दिन में ही निफ्टी 302 पॉइंट गिर गया तो मतलब पिछले पूरे हफ्ते में जितना सेलिंग देखा था आज ही उतना हो गया है थैंक्स टू द गैप डाउन नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग गैप डाउन इतना बड़ा हुआ क्यों रशिया यूक्रेन का कुछ यू uh, नो you know, वो हो गया कोविड सिचुएशन वर्स हो गई वाई इज दिस हैपनिंग द आंसर इज वेरी सिंपल एच डी एफ सी बैंक एंड इन्फोसिस बोथ हैड देर रिजल्ट आफ्टर द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द प्रीवियस वीक एंड एज अ रिजल्ट उन दो स्टॉक्स की वजह से मेन ड्रैग हुआ है और ये चीज़ हम लोग निफ्टी के इन गेनर्स और लूजर्स में भी देख सकते हैं वीकेंसी एच uh, डी एफ सी ट्विंज अलॉन्ग विथ दी uh, आई टी जाइंट्स वर टू तो ब्लेम फॉर टुडेज फॉल और हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस अलोन वॉज वन हंड्रेड पॉइंट नीचे खींचने वाला स्टॉक सो so, क्लियरली काफ़ी काफ़ी डाउन गया है आज एंड वी कैन सी रिलायंस या कोई ऐसा बड़ा हैवी वेट सामने सपोर्ट करने को था नहीं एंड एज अ रिजल्ट वी सॉ इट स्लिपिंग डाउन सो टॉकिंग अबाउट द नंबर्स लिटिल मोर यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्सर दैन निफ्टी एज अ होल विच इज अ गुड साइन और हम देख सकते हैं कि विक्स एक्चुअली ऊपर गया है नाउ वेरी क्लोज टू ट्वेंटी एंड इट इज अप एट पॉइंट सेवन वन परसेंट अगर सेक्टर्स के बारे में बात करें तो आई टी सेक्टर पूरा ही डाउन था आज हम लोग देख सकते हैं बाकी की काफी सारे, सारे सेक्टर्स डाउन थे बट मोस्ट ऑफ दम आर एक्चुअली फ्लैट आइर ऑन द प्लस साइड और ऑन द डाउन साइड हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हैज माइनर बेसिस पे अंडर परफॉर्म निफ्टी बट इट्स रियली नॉट दैट बैड और हम लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पी एस यू बैंक सो टिंग अबाउट निफ्टी मोर दीज आर द लूजर्स आर द गेनर्स दीज आर द लूजर्स अगेन हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस एच डी एफ सी ट्वेंस लीड कर रहे हैं नाउ लेट्स टेक एट द चार क्योंकि निफ्टी में चार्ट के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर आया है हम लोग ने प्रवियसली बात किया था कि कैसे ये वाला जो, जो जोन है this zone basically holding 16980 or so will be very important reason being क्योंकि that is the higher low for nifty और अगर वो higher low के ऊपर रह पाता है, then it basically means that it has a good chance of continuing its rise on the upside but agar wo level tod deta hai then i think that the structure might change a little or wo zyada sideways uh, prefer karega my view would be that so at least filhal agar hum dekhte hain देन राइट एट दैट सेम लेवल वी आर सींग टू हंड्रेड एम ए एंड फिफ्टी एम ए ऑन द डेली चार्ट फॉर निफ्टी और यही जोन पर आ चुका है हम लोग ने बात की थी प्रीवियसली कि फिफ्टी और टू हंड्रेड कितने अच्छे लेवल्स हो सकते हैं इन अ ट्रेंडिंग मार्केट अब अगर मार्केट रेंज में जाने वाला है देन यू नो प्राइस माइट जस्ट डू दिस वेर इट गोज अप एंड डाउन विदाउट रेवली पेइंग मच हीड बट देखते हैं कैसा जाता है ओवरऑल लेट्स गोस अगर इंट्रा डे चार्ट के बारे में बात करें देन दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक अगेन अ मैसिव गैप डाउन एंड आफ्टर दट द सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड नीचे जाते रहा जाते रहा एंड देन फाइनली अराउंड आफ्टर फुटसी ओपन हम लोग ने थोड़ा सा एक्चुअली फुटसी ओपन नहीं हुआ था आज माई बैड टू यूज टू लुकिंग एट दिस टाइम एंड सेंग दैट फुट सी ओपन था बट फुट सी वॉज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ईस्टर टोडे अलॉन्ग विद सेवरल अदर ग्लोबल मार्केट्स सो वो चीज ध्यान रखनी है बट राइट अराउंड वन फुट सी टिपिकली ओपन विच इज ह्योर एंड ह्योर उन वो ही टाइम के बाद एक्चुअली वो ऊपर गया है जो सेकेंड हाफ थोड़ी सी रिकवरी देखते हैं वो बट दैट ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड अराउंड हाफ वे थ्रू वो रिकवर कर पाए और फिर वो यू नो सेलर्स आ गए मार्केट में सो दस नॉट लुक वेरी गुड एंड एज अ रिजल्ट वो स्पिनिंग टॉप जैसे पर क्लोज हुआ है लेट्स हाउ इट गोज आई थिंक माई व्यू स्टिल होल्ड कि ये वाला जो लेवल है सेवनटीन थाउजेंड सेवनटीन नाइन हंड्रेड के आसपास का उसे होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसे होल्ड नहीं कर पाता देन आई थिंक इट विल यू नो प्रेफर द डाउन साइड एंड इन दैट केस मे बी माई टीवन टाइम हो सकता है बैंक के बारे में बात करेंगिस्टेंट रेजिस्टेंस एट थर्टी एट थाउजेंड फॉलोड बाई दिस वेरी स्पेक्टैक्लर डाउनवर्ड मूव और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो लेवल है पैंतीस हजार का वो हायर लो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सो फॉर बैंक निफ्टी आई थिंक इट स्टिल गॉट क्वाइट सम टाइम टू गो मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस भी वहीं पर है 250 और 20 एम ट्राइफेक्टा पर आ चुका है सो लेट्स सी इट्स ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर बोथ रिलायंस की बात अगर करते हैं देन रिलायंस वी कैन सी इट्स फर्दर एंड वी कैन सी इट्स डाउन बाई अराउंड टेन पॉइंट्स लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ओवरऑल अच्छी नहीं लग रही है टेस्टिंग दैट आर एस आई फिफ्टी लेवल जो बुलिश बायस और बैरिश डिक्टेट कर सकता है

एंड वी कैन सी वो बहुत गिरा है एंड द रिजल्ट ऐसा अर्निंग डाउन बट रेवेन्यू वॉज अप फाइव परसेंट का सरप्राइज था ऑन द अपसाइड फॉर रेवेन्यू बट मे बीट वॉज इंटरप्रेटेट इंटरप्रेटेड इन द रोंग वे क्योंकि आउट परफॉर्मेंस माइट एक्सपेक्टेशन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी माइट है like, हम लोग देख सकते हैं कि फिर से वो रेड जोन के अंदर आ गया है यहाँ पे एंड अनलेस इट एक्चुअली फाइंड सम सपोर्ट एंड इट्स हार्ड टू डू सो क्योंकि फोर्टीन हंड्रेड भी ब्रेक किया है बट अनलेस वो रिलीफ कल से ही चालू कर देता है इट माइट बी मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स दैट थर्टीन सिक्सटी मार्क जैसा हम लोग ने प्रीवियसली देखा था नेक्स्ट आप इन्फोसिस फ्राम वन बिग कल्परेट टू अनादर इन्फोसिस ने सिक्सटीन सेवेंटी एक पूरा साल होल्ड किया था ऑलमोस्ट फ्राम ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन टिल लास्ट वीक बट वो सिक्सटीन सेवेंटी दैट्स टूट द टेस्ट ऑफ टाइम वॉज ब्रोकन बिकॉज ऑफ रिजल्ट और अगर अर्निंग्स देखते हैं देन वी कैन सी दे आर बिलो पार सो बिलो पार अर्निंग्स के कारण हम लोग देख रहे हैं इतना नीचे गया है डाउन सेवन परसेंट द वन सेविंग ग्रेस कैन बी कि ओपन यहाँ पर हुआ था और क्लोज हायर हुआ इनफैक्ट उसने हायर लेवल अच्छे से ट्राई किए थे बट दैन इट्स रिजेक्टेड दैम एंड एटलीस्ट यहाँ पे इट वॉज एबल टू होल्ड ऑन टू इट्स ग्राउंड सो उतना खराब नहीं है जितना हो सकता था uh, But again, that is how you know it went. And if you recall, mera actually infosys mein non-directional strategy thi non-directional strategy down 8% market kya lagta hai kya hua hoga This is the video. You can check it out if you want to, and I'll be releasing an update video on this as well. तो उसके लिए जरूर बने रहिएगा subscribe करके और bell icon दबाके. But it will make for a very interesting update video क्योंकि इतना बड़ा fall, इतना बड़ा gap down. एंड द आउटकम इज रियली समिंग दैट इज वर्थ लर्निंग फ्रॉम सो या इन्फोसिस वैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड एंड सच आई डोंट नो किधर जा सकता है uh, ये आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू यूनो सी कि सिक्सटीन सेवेंटी पर कैसा बिहेवियर है क्योंकि सिक्सटीन सेवेंटी से अगर रिजेक्ट करता है देन मे बी अ फ्यू मोर वीक्स ऑफ कंसोलेशन वॉट माइट बी ऑन द कार्ड्स टी सी एस नीचे गया है एंड टी सी एस का भी वी कैन सी ह्योर यू नो अर्निंग्स वो आर ऑलरेडी देयर लाइक बिफोर इन्फोसिस आई बिली वन ऑफ़ द फर्स्ट स्टॉक्स जिसके अर्निंग्स आ गए थे सो दिस इज़ पॉसिबली नॉट बिकॉज ऑफ अर्निंग्स इनफैक्ट इवन इन्फोसिस का शायद सेक्टर वाइड कुछ हो सकता है नॉट श्योर आई टी सेक्टर में क्या है बट आई सी आई टी सेक्टर में एक और न्यूज़ है माइन्ट्री एंड एल एल टी इन्फोटेक माइट भी मर्जिंग आई थिंक ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर का डील है या कुछ है सो दैट माइट भी अनादर न्यूज़ बेस्ड डिवेंट इन दी आई टी सेक्टर

लेट्स uh, कैसा जाता है Might नॉट माइट नॉट रियली मेक for अ वेरी गुड सेटअप आर एस आई फोर्टी के आसपास आया है सो मे बी समर्ट ऑफ रिलीफ might be देयर लाइक like, एक दो दिन शायद ऊपर नीचे थोड़ा करेगा लेट्स see गोज नेक्स्ट आप आई सी आई सी आई बैंक वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स fairly डन फेयरली वेल एंड स्टॉक जिसका रिजल्ट बहुत पास है अभी बस आने वाला है सो लेट्स सी वॉट वॉट द रिजल्ट शोज दिस इज वन स्टॉक जिसकी स्ट्रेटेजी मैं एक्टिवली देख रहा हूँ सो लेट मीनो अगर आई सी आई सी आई बैंक की स्ट्रेटेजी पर भी आपको एक वीडियो चाहिए एंड आई एल बी हैप्पी टू मेक दैट अभी टू ओली टू से आई फील क्योंकि मार्केट ओवरऑल इतना डाउन था आज सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा फॉल तो एक्सपेक्टेड आई थिंक सेवन फोर्टी होल्ड करने के बाद हमें कुछ पता चलेगा कोटक बैंक वी कैन सी हियर ये वाला जो, जो जोन है वहाँ से सेलिंग होती है उसकी एटीन ट्वेंटी एटीन थर्टी से इट इज़ स्टिल मेकिंग दैट हायर लो बट आई थिंक कुछ वीकनेस आ चुकी है आई थिंक द डेज लीडिंग अप टू इट्स रिजल्ट प्लस मे बी बिकॉज ऑफ द सेक्टर वॉज वीक आई थिंक वी आर सींग समनेस बट आई थिंक जो तरह से वो गिरा था पहले राइट right, जो तरह से गिरा था आई थिंक उस हिसाब से मे बी द रिजल्ट माइट नॉट बी दैट बैड इन फैक्ट वी वी वन सींग की लास्ट टू क्वार्टर से वीर सींग अ पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ रिजल्ट आता है बट लास्ट टू क्वार्टर मे बी इट well एंड शोज us अ ग्रीन रिजल्ट लेट्स सी second मे को एक्सपेक्टेड है काफी टाइम है बट मेरे ख्याल से कोटक बैंक के लिए 1820 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है इफ़ इट वांट्स टू सी हायर लेवल्स एसबीआई 500 के ऊपर है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ टू अर्ली से कि इसका क्या व्यू होगा बिकॉज राइट नाउ आई डोंट अ व्यू यहाँ पे सेम वो कंसोलिडेट कर रहा है

Later that week uh, is the result. So let's see how it goes. Very curious to hear your thoughts as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.